अकोला के गांधी मार्ग स्थित बड़ा जैन मंदिर के सामने दाना बाजार में भीषण आग लगने की घटना हुई। इस घटना में 10 से 15 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। अकोला के दाना बाजार में मंगलवार की सुबह भीषण आग लगने की घटना हुई। देखते ही देखते इस आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस भीषण आग में 10 से 15 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। अकोला के गांधी मार्ग पर बड़ा जैन मंदिर के सामने दाना बाजार है, जहां यह आग लगी थी। घटना की जानकारी पाते ही महानगर पालिका के दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची थी। घटनास्थल पर सिटी कोतवाली के थानेदार उत्तम राव जाधव अपने दल बल के साथ पहुंचे थे। यह आग इतनी भीषण थी कि इसमें से निकल रहा धुआं काफी दूर तक दिखाई दे रहा था। दाना बाजार में आग लगने की सूचना पाते ही संबंधित दुकानदार भी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े थे। दाना बाजार में सभी दुकानें एक दूसरे से सटकर है, जिसके कारण आग तेजी से फैली, जिसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को इस आग पर काबू पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है। गौरतलब है कि कई साल पहले भी दाना बाजार में भीषण आग लगी थी, जिसमें सारी दुकानें जलकर खाक हो गई थी, जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था। अब फिर से दाना बाजार में भीषण आग लगने की घटना हुई है। कुछ महीने पहले दाना बाजार के सामने स्थित पुराना भाजी बाजार में भी भीषण आग लगी थी, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी और लाखों रुपयों का नुकसान हो गया था।